सब्जेक्ट ई 206, 1.6 जनरेटर कैरेक्टरिस्टिक्स। इस टॉपिक में आज हम वोल्टेज बिल्डअप इन सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर और डिसीशन जनरेटर का अध्ययन करेंगे। तो एक सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर अपने स्वयं की फील्ड को एक्साइट करता है, तो एक शंट जनरेटर को कंसिडर कीजिए और मान लीजिए आरंभ में जनरेटर जो है वो रेस्ट से शुरू होता है, यानी प्राइम मूवर की गति शून्य है, तो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के बावजूद उत्पन्न ईएमएफ ई का मान शून्य होगा, क्योंकि हम जानते हैं ई बराबर फाइव जेड एन पी बाई ए। तो ई जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड एन के है, यदि चाल स्पीड एन शून्य होगी तो ईएमएफ का मान शून्य होगा। अब यदि प्राइम मूवर से जनरेटर के आर्मेचर को रेटेड चाल पर लाएंगे तो इस रेटेड गति पर कुछ वोल्टेज ईवन रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण उत्पन्न होता है, जिसको यहाँ फिगर में दर्शाया गया है। जब फील्ड धारा शून्य है तो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण बहुत कम वोल्टेज ईवन यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। इस वोल्टता ईवन के कारण फील्ड परिपथ में स्मॉल फील्ड धारा बहने लगती है। इस फील्ड द्वारा फील्ड वाइंडिंग में एमएमएफ में वृद्धि करने से प्रेरित वोल्टता में ई टू तक की वृद्धि होती है। यह बढ़ा हुआ वोल्टेज अब टर्मिनल वोल्टेज में वृद्धि करता है, जिससे पुनः फील्ड धारा में वृद्धि होकर फ्लक्स फाई में वृद्धि होती है। फलतः ईएमएफ में वृद्धि होकर अब यह E3 हो जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे, पहले जनरेटेड वोल्टेज E1 था, E1 से जो फील्ड करंट उत्पन्न हुई है उसकी वजह से जनरेटेड वोल्टेज E2 हो गया है। अब जनरेटेड वोल्टेज E2 की वजह से जो फील्ड करंट में वृद्धि हुई, उससे जो फ्लक्स में वृद्धि हुई, उससे जनरेटेड वोल्टेज अब E3 हो गया है। तो यह बढ़ावा वोल्टेज E2 अब टर्मिनल वोल्टेज में वृद्धि करता है, जिससे पुनः फील्ड धारा में वृद्धि होकर फ्लक्स फाई में वृद्धि होती है। फलतः ईएमएफ में वृद्धि होकर अब यह E3 हो जाता है। इस तरह से प्रोसेस ऑफ बिल्डअप प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसको यहाँ हम अंग्रेजी में भी समझेंगे। द इंक्रीज आर्मेचर वोल्टेज ई इंक्रीजेज द टर्मिनल वोल्टेज वी विथ द इंक्रीज इन वोल्टेज वी। द फील्ड करंट IF इंक्रीजेज फर्दर, दिस इन टर्न इंक्रीजेज द फ्लक्स एंड कंसिक्वेंटली EA इंक्रीजेज फर्दर, दिस प्रोसेस ऑफ बिल्डअप कंटिन्यू। तो ये बिल्डअप की प्रक्रिया कब तक चलती है और बिल्डअप कब समाप्त होता है, इसको हम अध्ययन करेंगे अब। तो सपोज एट एनी स्टैंड द फील्ड करंट इज आई, मान लीजिए किसी क्षण फील्ड करंट आई है, इसको यहाँ पर इस फिगर में OA के रूप में दिखाया है। मान लीजिए किसी क्षण पे फील्ड करंट जो है वो OA है, और इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ DI/DT, और इसमें जो वृद्धि हो रही है वो DI/DT की दर से हो रही है। तो जो EMF होगा वो होगा E0 IRF + LdI/dt, जहाँ पे RF है टोटल फील्ड रेजिस्टेंस और L है इंडक्टेंस ऑफ फील्ड सर्किट। तो यदि किसी क्षण कुल उपलब्ध ईएमएफ एसी है, तो यहाँ पर ओए पे जो फील्ड धारा है उस पे जो बिल्डअप वोल्टेज है वो
एसी के रूप में दिखाया गया है। तो एसी ईएमएफ का भाग आईएफ आरएफ में वोल्टा ड्रॉप द्वारा अब्जॉर्व किया जाता है। इसका जो भाग एबी है वो आईएफ आरएफ के ड्रॉप द्वारा अब्जॉर्व किया जाता है और शेष पार्ट बीसी एलडीआई बाय डीटी को ओवरकम करने के लिए उपलब्ध है। तो जब तक ये सरप्लस वोल्टेज बीसी उपलब्ध है तब तक फील्ड धारा को ओए के मान से अधिक बढ़ाया जा सकता है। यदि बीसी का पोर्शन जब शून्य हो जाए तो अब फील्ड धारा को बढ़ाया जाना संभव नहीं रह पाएगा। तो इसको हम यहाँ देखते हैं, जब तक यह सरप्लस वोल्टेज उपलब्ध है फील्ड धारा को ओए के ऊपर बढ़ाया जाना संभव है। हालांकि पॉइंट डी पर उपलब्ध वोल्टेज ओएम ही रह जाती है और सभी वोल्टा आईआरएफ ड्रॉप द्वारा अब्जॉर्व कर ली जाती है। परिणाम स्वरूप फील्ड धारा को अब नहीं बढ़ाया जा सकता और जनरेटर का बिल्डअप रुक जाता है। तो एन अमाउंट एबी ऑफ द ईएमएफ एसी इज अब्जॉर्ब बाय द वोल्टेज ड्रॉप आईआरएफ एंड द रिमाइंडर पार्ट बी सी इज अवेलेबल टू ओवरकम एल डी आई बाई डी टी। सिंस दिस सरप्लस वोल्टेज इज अवेलेबल इट इज पॉसिबल फॉर फील्ड करंट टू इंक्रीज अबव द वैल्यू ओ ए। हाउ एवर एट पॉइंट डी द अवेलेबल वोल्टेज इज ओ एम एंड इज ऑल अब्जॉर्ब बाय आई आर एफ ड्रॉप। कंसिक्वेंटली द फील्ड करंट कैन नॉट इंक्रीज फर्दर एंड द जनरेटर बिल्डअप स्टॉप्स। तो इस फिगर में हमने देखा किस तरह से बिंदु डी पर जो है बिल्डअप स्टॉप हो जाता है। None is left to overcome L di by dt at the point D. Hence, no energy is stored in the pole field. Consequently, there is no further increase in pole flux and the generated EMF. इससे हम इस महत्वपूर्ण निष्कर्ष तक पहुँचते हैं कि जनित्र का वोल्टेज बिल्डअप ओसीसी और फील्ड रेजिस्टेंस लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक ही होता है। वी अराइव्ड एट वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन डेट वोल्टेज बिल्डअप ऑफ जनरेटर इज गिवन बाय पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ओसी एंड फील्ड रेजिस्टेंस लाइन। पॉइंट डी इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व। Hence, the generator will build up to a voltage OM. तो अभी तक हमने देखा सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में वोल्टेज किस तरह से बिल्डअप होता है। अब हम उन कारणों को जानने का प्रयास करेंगे जिसकी वजह से जनरेटर फेज टू बिल्डअप या फेज टू एक्साइट। तो स्वयं उत्तेजित क्षण जनरेटर को बिल्डअप वोल्टेज में विफलता के निम्न कारण है। नो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। बिल्डअप प्रक्रिया की शुरुआत के लिए जनरेटर के चुंबकीय सर्किट में कुछ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म की आवश्यकता होती है। अगर शिपमेंट में इनएक्टिविटी और जेरिंग के कारण कम या शून्य रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होता है तो कोई वोल्टेज उत्पन्न नहीं होगा, फलतः फील्ड धारा उत्पन्न नहीं हो पाएगी। इस कठिनाई को दूर करने के लिए बहुत कम अंतराल के लिए एक अलग स्रोत द्वारा फील्ड धारा देकर फिर इसको हटा लिया जाता है। ऐसा होने से बिल्डअप के लिए
पर्याप्त चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार बाहरी स्रोत से डीसी सप्लाई देने की प्रक्रिया को फ्लशिंग ऑफ फील्ड कहा जाता है। तो इसमें हमने देखा कंडीशन नेसेसरी फॉर बिल्डअप ऑफ अ सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर आर फर्स्ट देयर मस्ट बी सम रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इन जनरेटर पोल। सेकंड फील्ड सर्किट रेजिस्टेंस टू हाई, फील्ड सर्किट प्रतिरोध का मान क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस से अधिक होने पर बिल्डअप की प्रक्रिया में रुकावट आ जाएगी। शून्य भार पर क्रिटिकल प्रतिरोध से अधिक प्रतिरोध निम्न कारण से हो सकते हैं। पहला फील्ड सर्किट कनेक्शन खुले होने से फील्ड सर्किट प्रतिरोध क्रिटिकल प्रतिरोध के मान से काफ़ी अधिक हो जाता है, इसलिए जनरेटर में बिल्डअप नहीं होता। सेकेंड है डर्टी कम्यूटेटर, तो डर्टी कम्यूटेटर से ब्रश और कम्यूटेटर के बीच में संपर्क नहीं रह पाता। यह खराब संपर्क फील्ड सर्किट में धारा प्रवाह में हाई रेजिस्टेंस उत्पन्न करते हैं और एक हाई फील्ड सर्किट प्रतिरोध के रूप में प्रभाव पैदा करते हैं। फील्ड कनेक्शन रिवर्स, तो जनरेटर जो फेज टू एक्साइट होता है उसका एक कारण है फील्ड कनेक्शन इसके रिवर्स हो जाते हैं। तो फील्ड कुंडली में धारा की दिशा इस तरह से होनी चाहिए कि धारा फ्लक्स द्वारा उत्पादित फ्लक्स की रेखाएं अपशिष्ट फ्लक्स से ऐड हो। यदि फील्ड कनेक्शन उलट हो जाते हैं तो फील्ड धारा फ्लक्स द्वारा उत्पन्न फ्लक्स की रेखाएं रेजिडुअल फ्लक्स का विरोध कर सकती है। ऐसा होने पर फील्ड सर्किट में वोल्टता बढ़ने की बजाय कम होने लगती है। इस स्थिति में आर्मेचर के सापेक्ष फील्ड के कनेक्शन उलट किए जाने चाहिए। For the given direction of rotation, the shunt field coil should be correctly connected to the armature. They should be so connected that induced current reinforces the EMF produced initially due to the residual magnetism. इसी तरह से हमने देखा इफ एक्साइटेड ऑन ओपन सर्किट इट्स फील्ड रेजिस्टेंस शुड बी लेस देन द क्रिटिकल रेजिस्टेंस। इफ एक्साइटेड ऑन लोड देन इट्स फील्ड रेजिस्टेंस शुड बी मोर देन अ सर्टन मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस व्हिच इज गिवन बाय इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स। तो इस तरह से देखा हमने कि शंट जनरेटर के बिल्डअप की प्रक्रिया में जो रुकावट आती है उसको समझा और उसको दूर करने के उपाय इस टॉपिक में हमने अध्ययन किए।